खरगोन जिले के भिकनगांव के जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सगुर बगुर के मजदूरों ने गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी के नाम अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। हाथों में गेती फावड़े लेकर आए महिला ने बताया कि 1 जून से 25 जून तक ग्राम में कार्य हो रहा है, जबकि 6 महीने से गाँव में किसी के कार्यों की सूचना नहीं मिली, नहीं कार्य खुला। फिर भी 4-5 महीने के मस्टर भरे गए और उन्होंने जो मजदूर काम पर गए थे उन्हें छोड़कर फर्जी लोगों की उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि कार्य करने वाले मजदूरों का नाम ही नहीं और ना ही शौचालय निर्माण की लिस्ट में भी नाम नहीं है। आज भी महिलाएं ग्राम सगुर बगुर में बाहर शौच के लिए जाने पर मजबूर है और जिन व्यक्तियों का आवास योजना में लिस्ट में नाम आया है उन्होंने आवास योजना के लाभ से अब तक नहीं दिया गया। सभी ग्रामवासियों का निवेदन है कि बबलू यादव रोजगार सहायक को हटाकर ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। भिकन गांव से शक्ति धनगर की रिपोर्ट। ये काम के बारे में पैसे नहीं आए हमारे, 4-5 हफ्ते हो गए काम करते करते, 1 रुपया भी नहीं डाला खाते में। और जो नए गांव में काम करते उनके पैसे आ गए। तो सगुर से आए हैं और हमारी समस्या है कि इस महीने में काम चला, 3 हफ्ते काम चला और उसके बावजूद भी मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ है और अनादर व्यक्तियों को, सक्षम व्यक्तियों को उनके नाम मास्टरों पर चढ़ाकर उनको पेमेंट किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। और आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों के नाम आए हैं तो उन्हें ना तो कुटीर कोई भी लाभ मिल रहा है और ना तो महिलाएं टॉयलेट बाहर करने जाती हैं, शौचालय बाहर टॉयलेट के लिए, और उन्हें भी लाभ नहीं मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।